नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर। और मेरे साथ आप मौजूद है एंटरटेनिंग गुरु। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो सुबह 3:30 बजे मैच हुआ था ना, वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका, जिसमें पोलार्ड ने युवराज सिंह का और इन सबको पीछे छोड़ दिया था, 6 छक्के मार दिए थे उन्होंने। और अकेला धनंजय ने हैट्रिक भी ली थी उस गेम में। तो पूरे पूरा मतलब इस मैच का एनालिसिस या फिर रिव्यू हम बता रहे हैं इस गेम में, मतलब इस वीडियो में देखो। तो बेसिकली यहाँ पे श्रीलंका की बैटिंग तो कोई इतनी खास बताने लायक है नहीं। 131 रन पे 9 हुए थे। तो देखो मेन इतना कुछ नहीं है, मेन बात आई थी वेस्ट इंडीज की बैटिंग में। आप मेन हाईलाइट दे सकते हो कि निरोशन टिकवाला ने भी रन बनाए थे थोड़े बहुत। और मेन देखो वेस्ट इंडीज की बात करें तो भाई कायरन पोलार्ड इस बंदे ने 6 छक्के मारे 6 गेंदों पे। अब भाई आप देखो शुरू में मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई थी लैंडर सिमंस एवन ल्यूस के बीच, फिर क्रिस गेल भी आउट हो गए, निकोलस पूरन भी आउट हो गए। मतलब अकेले धनंजय ने हैट्रिक ली थी, गेल और पूरन को तो पहली पहली बॉल पे सलटा दिया था। लेकिन फिर जब पोलार्ड आए तो भाई साहब 6 छक्के पड़े लगातार 6 गेंदों पे, और उसी बॉलर की ओवर में पड़े जिस बॉलर ने हैट्रिक ली थी। तो सोचो एक बंदा हैट्रिक ले रहा है उसी दिन, मतलब उसने एक ओवर में हैट्रिक ली, उसके अगले ओवर में वो बंदा 6 छक्के खा रहा है, तो उस दिन को वो बंदा कैसे भूल सकता है भाई। और ये जो टीम है ना भाई, ये मुझे पूरी पुराने वेस्ट इंडीज जैसी लग रही है, जिसमें क्रिस गेल, हाँ लैंडल इसमें सिमंस ड्वेन वापस आ ब्रावो गए। वगैरह सब थे, बट हाँ, तो मेरे को ड्वेन बढ़िया। ब्रावो की एक बात बुरी लगी यार। ड्वेन ब्रावो इतनी गेंदे खेल गए, 17 रन 17 गेंदे खेल गए 4 रन बनाने में। तो भाई T20 में आप इतना धीरे नहीं खेल सकते हो। चेन्नई के लिए भी एक बुरी मतलब मैं बोलूंगा कि यार, मतलब ये एक अच्छी नहीं बात बोलूंगा मैं ब्रावो की, थोड़ा तेज खेलना चाहिए था। भले ही आप 4 रन बना रहे हो बट इतना भी बॉल नहीं खेलनी चाहिए यार आपको। हाँ, इस टीम के अंदर वेस्ट इंडीज और वाले में देखो चार चार आईपीएल के टीम के खिलाड़ी हैं भाई। 4 IPL कौन, मतलब एक तो क्रिस गेल हो गए, पूरन हो गए, पोलार्ड पंजाब, हो गए, होल्डर पोलार्ड ब्रावो। मुंबई, होल्डर हाँ अपने हैदराबाद, हाँ फैबियन एलन हैदराबाद, और ब्रावो चेन्नई, 7 रन पंजाब के है। जेसन होल्डर हैदराबाद। हाँ सॉरी। तो भाई सही है, मतलब बहुत शानदार गेम चला भाई ये वाला, जिसमें 6 छक्के। आप सोचा है उस बॉलर के ऊपर क्या बीती होगी जिस बॉलर ने हैट्रिक लिया और वो अगले ओवर में 6 छक्के खा गया। मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता ऐसा आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। तो भाई बहुत ही, और इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बता दी थी, इसमें पोलार्ड ने 6 छक्के मारे था, अकेले धनंजय ने हैट्रिक ली थी, वो वीडियो भी देख लेना। इसमें बस हम बेसिकली एक रिव्यू टाइप का ही बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस मैच के अंदर। 13.1 ओवर के अंदर अंदर ही जीत लिया ये पूरा मैच। तो भाई अब इतना तेज कोई बंदा मारेगा तो इतने ओवर में जीतेंगे ना वो भी। भाई ब्रावो इतनी बॉले खेल गए, नहीं तो मेरे को लगता है 1-2 ओवर पहले जीत जाते। 13 ओवर में जीत गए ब्रावो ने, इतनी गेंदे खेल गए, नहीं तो 10 ओवर में जीत जाते। देखिए, अब हम आपको एक खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाएंगे आप लोगों को। जब तक की खबर तो वैसे पहले पता चली चल चुकी होगी, लेकिन हम पहले भी आपको भी बता देते हैं डेल स्टेन के बारे में, जो हुआ भाई, इनकी घटना जो हुई है खतरनाक ही। इन्होंने देखो, इनका जो पूरी कहानी है वो ये है कि सबसे पहले ट्विटर पे लिखते हैं कि जो PSL और CPL और LPL जितनी भी प्रीमियर लीग है वो इनके लिए ज़्यादा महत्व रखती है IPL से। उसका कारण इन्होंने बताया कि IPL के अंदर लोग बाग पैसों के लिए जाता है, और PSL, CPL और इन सब के अंदर है ना क्रिकेट की भावना होती है, वो इनका कहना ये है। तो फिर पीछे इनको खतरनाक ट्रोल हो चुके हैं ट्विटर पे। फिर उसके बाद इन्होंने अपने सॉरी का भी लिखा है, बाद में इन्होंने ट्वीट करा कि मेरी मंशा किसी भी लीग को नीचा दिखाने की नहीं थी, लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो एंटरटेनिंग गुरु, आप क्या कहना उन्होंने चाहोगे? ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि देखो उन्हें पता था कि IPL में उनका ज्यादा रिकॉर्ड वगैरह उनके इतने बढ़िया नहीं है, जबकि PSL CPL ये सब में इनके रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो मतलब ये चीज एक सही थी। तो मैं एक बार देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मतलब डेल स्टेन ने कुछ गलत कहा, बट हाँ अगर आप एक लीग के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो तो वो प्रॉब्लम है भाई। देखो बेसिकली इनका ये कहने का मतलब था कि हमारे जो IPL होती है ना उसमें इनके रिकॉर्ड इतने बढ़िया नहीं है, बट PSL वगैरह में रिकॉर्ड इसलिए बढ़िया है, इसलिए उन्होंने बोला है कि उनके लिए ज्यादा महत्व ये सब रखता है। और इतने सारे मीम भी बन चुके हैं इनके ऊपर, तो फिर इनको ऐसा लगा भाई माफी मांगनी चाहिए, वरना इनका करियर खराब हो जाएगा पूरा। वैसे भी देखिए, और फिर जवाब के अंदर बहुत सारे जो ट्विटर पे बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको पैसे महत्व नहीं रखते तो आप PSL जाके भी क्यों खेल रहे हो, अपनी टीम के लिए खेलो ना, साउथ अफ्रीका के लिए। ये बात भी सही बोली आपने बिल्कुल। ये बट यार बिल्कुल देखो पैसे का तो नहीं, इनके लिए हमने एक चीज देखी, इनका सही में IPL में रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
और आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, आरसीबी वाले भी मौका देते नहीं है, देते भी है तो अभी आपने देखा था पंजाब आरसीबी का, पंजाब ने मतलब केएल राहुल ने सेंचुरी मारी थी, स्टेन के कितने बढ़िया छक्के लगाए थे स्टेन के खिलाफ। तो आईपीएल में देखो उनका रिकॉर्ड इतना चल नहीं रहा, पीएसएल इन लीगों में छोटी मोटी लीग, मतलब छोटी मोटी लीग नहीं कहूंगा बट इनमें ज्यादातर देखो इतना बड़ा वो स्कोप नहीं होता, तो उसमें लोग अच्छा बना जाते हैं। और हम आपको एक और न्यूज़ बता दें भाई, जसप्रीत बुमराह ने ब्रेक ले लिया है क्रिकेट से, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है इसलिए, तो उनका ब्रेक रहेगा। तो ब्रेक रहेगा तो इसका मतलब है कि T20 और ODI भी नहीं खेलेंगे वो इंग्लैंड की तरफ से। हाँ तो मतलब और इंडिया को आज ये लॉस महेंद्र, है हाँ, मतलब। और उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है, लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है। और देखो मैं आपको बताता हूँ किन किन लोगों ने चेन्नई के लिए मतलब चालू कर दिया प्रैक्टिस, तो मैं आपको बताता हूँ देखो कैंप इसमें। हाँ कैंप, तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़ है जो चेन्नई पहुंच चुके हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए, MS धोनी शायद कल पहुंच गए थे, और अंबती रायडू भी पहुंच चुके हैं, तो तीन चार लोग पहुंच चुके हैं अभी ट्रेनिंग कैंप के लिए चेन्नई, और बहुत जल्दी हो सकता है 11 या 12 तारीख से अपना कैंप चालू कर दे आईपीएल। 9 तारीख से चालू हो जाएगा इनका कैंप, CSK के CEO ने बोला है। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक अलग से वीडियो लेके आए जिसके अंदर एक जो प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी, जैसे अभी हमने सीरीज चलाई थी, तो हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर एक प्रिडिक्टर प्लेइंग 11 रख ले, कि जो संभव प्लेइंग 11 बैठती है ना इसकी, जैसे CSK की और पंजाब की, इन सब की, तो उसकी भी वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। तो और भी एक दो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बता देते हैं अगर कोई है तो। एक मिनट, सबसे पहले आप ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच चल रहा है स्कोर, इसका थोड़ा सा स्कोर कार्ड हम आपको बता देते हैं सेकंड सेशन का। देखिए 135 पे 5 विकेट, इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला लिया। और मैं आपको बताऊं इंग्लैंड की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में कुछ, एक इन्होंने फास्ट बॉलर रखा है इस बार, इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर रखा है और पार्ट टाइम बॉलर है बेन स्टोक्स। पिछले 3 मैचों से है ना इंग्लैंड ने सिर्फ 2 स्पिनर रखे थे, फिर इनको बाद में समझ में आया कि भाई स्पिनर ज्यादा बट महत्व इंग्लैंड देंगे के तो आप पास अब इनको कोई दे। मतलब नहीं है, इंग्लैंड वैसे भी बाहर हो चुके हैं, अगर ये ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए कर रहे हैं जो इंग्लैंड कर रहे हैं। अब देखो ओली पॉप और डैन लॉरेंस बचे, डैन लॉरेंस वैसे जल्दी आते हैं बैटिंग करने बट इस बार लेट आए थोड़ा, तो बेन फोक्स आपको बैटिंग में काम दे देंगे, बाकी तो देखो डॉम बेल जैक लीच ये लोग ही है, तो बेसिकली बेन मतलब फोक्स तक इन्होंने आपकी बैटिंग तीन ही अच्छी बॉलर है। रखे हैं, जो मेन बॉलर है ना वो इन्होंने तीन ही रखे हैं। डॉम बेल्स जैक लीच और जेम्स एंडरसन, बाकी जो रूट बॉलिंग पार्ट टाइम है बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है। तो इनको समझ में आ गया भाई स्पिनर्स को खिलाना पड़ेगा, तो इन्होंने स्पिनर्स को खिला। और अपने स्पिनर्स को आप देख लीजिए, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया, 7 ओवर के अंदर 1 मेडन डाला, 14 रन दिए। और इकोनॉमी देखो भाई, रविचंद्रन अश्विन की 1.56 की इकोनॉमी। और अक्षर पटेल ने भाई फिर से वो कारनामा करा है, पहली बॉल पे आउट करा था, ऐसा ही पिछले मैच में भी हुआ था, पहली बॉल पे आउट करा था फर्स्ट बॉल पे, किसको आउट दो करा विकेट था इन्होंने अक्षर के पहली ने पे, इनको, डॉम सिबली को। डॉम सिबली 2 रन बनाए हैं 8 बॉलों पे, पहली पे नहीं करा मतलब खुद की पहली बॉल पे करा होगा जहां तक इन्होंने। हाँ, अक्षर की पहली बॉल पे कह रहा अच्छा हूँ। अक्षर की, मेरे को लगा जो पहला ओवर था उसी की, बट फिर भी बहुत नहीं सही करा, नहीं और शमी भी 2 विकेट ले गए इस बार। हाँ, और शमी भी लेगा। और ये कि इंडिया की मैं आपको बताता हूँ प्लेइंग 11 की, देख सकते हो इस कोई भी बदलाव नहीं हो, बस एक बदलाव है, हाँ, मोहम्मद सिराज का एक बदलाव हुआ है जो जसप्रीत बुमराह की जगह हुआ था। और इंग्लैंड में बदलाव हुए अपने, डॉम बेस आए यहाँ पे और डैन लॉरेंस है, मतलब एक खिलाड़ी को, एक बैट्समैन को इन्होंने और खिलाया, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप अभी पिछले कुछ एक दो मैचेस से बॉलिंग ऐसी में चल रही। मोहम्मद सिराज ने बढ़िया करी है, मतलब इस मैंने गलती से मोहम्मद शमी बोल दिया था पहले, मोहम्मद सिराज हाँ 2 विकेट ले चुके हैं और अक्षर पटेल भी 2 ले चुके हैं, तो बहुत सही चल रहा है एक बार के लिए ये वाला, बट अब देखते कितने बनेंगे। आपको क्या लगता है कितने बन जाएंगे इंग्लैंड के पहली पारी में? देखिए, सेशन दूसरा चल रहा है और मैच खत्म हो जाएगा 4:30 बजे, और 135 रन है। मुझे लग रहा है कि 5 विकेट है तो कुछ ज्यादा गिरे भी नहीं है, तो हालत फिर भी ठीक ठाक है। 200 तो पार कर लेगी, हाँ 200 पार कर लेगी अगर ये बेन फोक्स के यहाँ पे टिके रहे अगर ये लोग, तो ओली पॉप डैन लॉरेंस, क्योंकि जो मेन बल्लेबाज है वो आउट हो चुके मुझे हैं। लग बेन रहा है स्टोक्स ने 200 से 250 इस बार बढ़िया तो खेला बन है, ही जाएंगे आराम से, बेन बेन स्टोक्स बहुत बढ़िया खेले स्टोक्स थे सही इस बार बैटिंग कर संभल गए इस के, वजह से इतने बने। हाँ संभल के खेल के गए इस बार बट इस अश्विन बार से देखो भी। एक चीज सही कहनी पड़ेगी कि 250 तो आराम से बन ही जाएंगे। और जॉनी बेयरस्टो भी थोड़ा आक्रामक खेल के गए हैं। अब देखते कितने बनते, मैं तो 250 की प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ भाई, 250 बन जाएंगे। देखिए मुझे लग रहा है 220 221 के आसपास ऐसे कुछ बन जाएंगे, और ऑल आउट होगी देखना ये।
ऑल आउट कर देंगे देखना स्पिनर्स। और अभी देखो जैसे ओवर चल रहा है ईशांत शर्मा का, तो अभी फास्ट बॉलर से इसलिए थोड़े से रन इनके बन जाएंगे, जैसे स्पिनर आते हैं वही रन कम हो जाते हैं। और अपनी बैटिंग लाइन अब आप देख लीजिए, ऑली पॉप, डैन लॉरेंस और बैन फोक्स और अपने जे क्लीज भी कर लेंगे चलो, तो थोड़ा सा इनकी बैटिंग लाइन अपने भी डीप, और अपने में वो डीप नहीं है ना, जैसे अपने में आप देख सकते हो मोहम्मद सिराज भी चलो ऐसे लप्पे में खेल लेंगे, लेकिन ईशांत मतलब वही कि जो ईशांत शर्मा की एक खासियत है कि अगर आपको एक टिक के खेलने वाला प्लेयर चाहिए तो ईशांत शर्मा वो काम कर देंगे आपके लिए एक बार के लिए। हाँ, तो दोनों ही टीमों में बैटिंग लाइन में बहुत बढ़िया है, तो मेरा तो प्रेडिक्शन ये रहेगी कि 221 के आसपास बन जाएंगे, ऑल आउट हो जाएगी फिर इंडिया की और अब क्या लगता है बैटिंग आ कि जाएगी। इंडिया इंडिया पहुंच सकती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड को हरा के, या ड्रॉ होगा तो भी इंडिया ही पहुंचेगी? देखिए पहुंच तो सकती है, लेकिन एक मुसीबत है, अगर इंडिया पहुंच गई ना तो इंडिया को फिर है ना बीसीसीआई को ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये होगा जुलाई में और अपने आईपीएल भी स्टार्ट होंगे, तो उस वक्त कोई नॉकआउट्स रहेगा, उस वक्त के अब आसपास कोई यार नॉकआउट मैचेस रहेंगे जुलाई तो। जून के मंथ होगा, आई थिंक 18 जून को होगा और आईपीएल जा सके, आईपीएल आई थिंक 28 समथिंग मई के मंथ में एंड हो जाएगा, तो है 2 हफ्ते बचेंगे, उसके बाद भी वो दो तो ढाई अभी हफ्ते बचेंगे। बीसीसीआई ने क्या है कि शेड्यूल लॉन्च नहीं करा, एक बार वो लॉन्च करेंगे ना तो सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी बीसीसीआई को भी सोचना तो पड़ेगा। वैसे हर साल पता है आईपीएल मतलब इसी वक्त पे एंड हो जाते हैं, बट इस साल अभी शेड्यूल नहीं हुआ, बाकी 28 मई तक एंड हो जाता है हर साल। तो हमने आपको सारी न्यूज़ इसी वीडियो के अंदर बता दी और रिव्यू भी बता दिया थोड़ा सा। हम पिछले भाई दो तीन बार मैंने ट्राई करी थी लाइव स्ट्रीमिंग की, लेकिन भाई वो हो नहीं पाई थी। अभी हम थोड़ा और वर्क करेंगे उस सेटअप पे, फिर हम एक बार हमारी इच्छा है कि लाइव स्ट्रीम भी करें, ताकि आप लोगों से बातचीत करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 और तक और एक इससे बात और पहले भी। बतानी थी कि इस वीडियो को हम लगातार तीसरी बार शूट कर रहे, क्योंकि जब हमने 2 बार शूट करी थी तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, ये सब होती, तो लगातार तीसरी बार शूट कर रहे हैं, मतलब फिर भी हम 1 घंटे से बैठे हैं लगातार, क्योंकि शूट करने में भी देखो 10-15 मिनट तो लगते ही है एक वीडियो में, और हम पूरी बनाने के बाद जब हम चेक कर रहे हैं तो ये तीसरी बार बना रहे हैं हमें, और अभी भी इसको चेक करेंगे, अगर ये सक्सेसफुल हुई तो हम इसे हैंड टू हैंड अपलोड कर देंगे एडिट करने के बाद। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।